मध्य प्रदेश के इंदौर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि तब तक दुष्कर्म करता रहा जब तक वह गर्भवती ना हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म नहीं दे दिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर की एमआईजी कॉलोनी का है, जहां सीएचएल अस्पताल के पीछे एक युवक ने अपनी सौतेली बहन को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब महिला को होश आया तो उसने अपने साथ हुई दरिंदगी का विरोध करना चाहा, तो सौतेले भाई ने भाई बहन के रिश्ते का हवाला देकर बदनामी का डर दिखाया, जिसके बाद महिला खामोश रही। लेकिन आरोपी युवक लगातार अपनी सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा, जिसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई और उसने यह बात अपने भाई को बताई, तो वह अबॉर्शन कराने की बात और अपनी सौतेली बहन को लेकर एक डॉक्टर के पास गया, जहां डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी बच्ची को मानने की बात करने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसकी दो शादियां हुई हैं। पहली बीवी से उसे एक लड़का है, जबकि दूसरी बीवी से एक बेटी है जो मायके गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी अपनी सौतेली बहन के घर पहुंचा और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल महिला ने एमजीआई थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये जो 376 का मामला है, इसमें पीड़िता जो है हमारे थाना क्षेत्र की हैं, उन्होंने ये बताया कि जो उनके चचेरे भाई, मतलब जो आरोपी हैं इसमें, उनके पिता और इस आरोपी के जो पिता है वो एक हैं, मतलब ये उनकी स्टेप मदर की लड़की है, तो इनसे इन्होंने रिलेशन बना लिए और उससे वो बच्ची पैदा हो गई और इनकी शादी पहले से थी। इस बात को लेकर के ये उनके पास आ जा नहीं रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि इन्होंने जो हमसे शारीरिक संबंध बनाए वो हमारी इच्छा के विरुद्ध बनाए हैं। इस पर से जो अपराध कायम हुआ 376(2) और 376(2)(च) और धारा 313 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे हम आज अभी न्यायालय पेश करा रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए कीर्ति बर्रा की।